वो हमेशा लोगों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम में हमेशा दिखाते रहते हैं। तो सर आज जो आया सर, गरीब आशा है, विधवा, विकलांग और अनमेरिड, कई प्रकार के हैं जिन्हें भत्ता से वंचित हो जाता है। अब ऐसा भी देखने में आ रहा है कईयों को तो भत्ता ही उड़ जाता है, जैसा सुनने में हम लोग समझ सकते हैं। सर आज इसके ऊपर आपने जो किया, इसके बारे में बताएंगे। बहुत दुख की बात है, केंद्र सरकार पैसा दे रहा है गरीबों को बांटने के लिए, पैसा आके म्यूनिसपालिटी में जमा हुआ है, और जो उसके हकदार है, खाता धारक है जिसको भत्ता का पैसा मिलना चाहिए, उसको पैसा नहीं दिया गया है, और पैसा एक बार फिर राज्य सरकार ने वापस मंगा लिया है। किस कारण से उसने वापस मंगाया उसके बीच में हम जाना नहीं चाहते हैं। जब पैसा केंद्र सरकार का है, प्रशासन का दायित्व होता है, वो पैसा जो उसके लिए जो उसके अधिकारी है, जिसको उसका अधिकार है पैसा के ऊपर, उसको पूछना चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है, हम अभी आप घंटा भर बैठे थे, वो जो मुझे लगा इसमें पूरा झोली झोले तब सब तरफ में, वो पूरा इसमें भ्रष्टाचार पूरा, ऐसा मेरे को अनुमान हो रहा है। अभी तो मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, तो सीधी सी बात है, किसी का आज बीच में किसी को 5 महीने का 6 महीने का पैसा नहीं मिला है। अगर नहीं मिला तो उसके लिए दायी प्रशासन है, और आज सरकार बोलते उसका पैसा लैप्स हो जाएगा, तो जो जिसका पैसा 5 महीने का पैसा लैप्स हो गया, वो पैसा कौन भरेगा, उसके जिम्मेदार कौन है? ये बड़ी बात है। अभी एक बेचारी महिला आई थी यहाँ पे, आरती दास उसका नाम है, उसने यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स दिखाया असिस्टेंट कमिश्नर को, उसने पूरा बताया वहाँ पे, वो कार्ड में पूरा लिखा हुआ है उसका, कम से कम साल भर हो गया उसको भत्ता नहीं मिला है, वो बेचारी का पेट टूट गया था, वो भत्ता लेने आ नहीं सकी। उसके बाद में 4 महीना हो गया म्यूनसिपल्टी में दौड़ रही है, उसके बाद में भी उसको भत्ता नहीं दिया गया, अभी उसको बोलते हैं कि तुम्हारा भत्ता लैप्स हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जो अगर कोई अगर 3 महीना तक अगर भत्ता नहीं लेता है तो उसका कार्ड लैप्स कर देंगे, बोल रहे हैं जैसा देवता बोला 6 महीना में 8 महीना भी कोई दरमा लेता है, उसका दरमा तो नौकरी लैप्स नहीं होता है। गरीब आदमी है बेचारा, कोई असुविधावशत नहीं आ सके, तो उसका वो भत्ता उसने लैप्स करना चाहिए, उसके बावजूद भी लैप्स होने के बावजूद भी उसने उसके 1 महीना का पैसा दिया है, तो किस लिए दिया है? ये लैप्स हुआ तो क्यों दिया? कहीं ना कहीं आप अपने भूल को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। ये मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें बहुत बड़ा रैकेट है, और हमको बोला है इसको कागज निकल के आप दो, हम देखना चाहते हैं पब्लिक के हिसाब से ये क्या मैटर है, बोलते हैं आज इस विषय को पकड़ा है, और इस विषय को हम तह तक जरूर पहुंचे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह गिरीश भाई लड़ते रहे, और लोगों का हक मिलता रहेगा, जो मजबूत और हरी कोई है आज भी देख रहे हैं, जब तक गिरीश भाई लगता है लोगों को न्याय मिलता रहेगा, जो भी चाहे ऐसा है जरूर गिरीश भाई से मिले कि उनको न्याय दिलाना है, तो गिरीश भाई का काम है। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।